मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आपके जिले के मौसम का ताज़ा अपडेट जानने के लिए कमेंट में बताएं आपके जिले का नाम। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर सहित एमपी और झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। देश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली से लेकर बिहार तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के 5 राज्यों में हल्की बारिश के आसार। IMD मौसम विज्ञान केंद्र ने नए वेदर सिस्टम के सक्रिय होने को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। नए वेदर सिस्टम की सक्रियता के चलते उत्तर भारत के मौसम में आएगा तेजी से बदलाव। शीतलहर और कोहरे के बाद अब हल्की बारिश से उत्तर भारत के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अमेठी, ओरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कन्नौज, कानपुर, कासगंज, मैनपुरी, प्रतापगढ़, रायबरेली और उन्नाव में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी को देखते हुए कई राज्यों में प्राइमरी तक के स्कूलों में जहां छुट्टियां बढ़ा दी गई है, तो वहीं भयंकर सर्दी को देखते हुए आने वाले दिनों में स्कूलों की छुट्टियाँ और बढ़ाई जा सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंडी हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। शहर से लेकर देहात तक कहीं हल्की बारिश तो कहीं घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का मानना है कि जनवरी माह के आने वाले दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि जनवरी माह के आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली के अलावा पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है और फिलहाल सर्दी से राहत की तो कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तर भारत के राज्यों में बेहद ही कंपा देने वाली ठंड जारी है। इसका बड़ा कारण है कि पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते तापमान माइनस हो गया है और वहीं हवाओं का रुख मैदानी इलाकों की तरफ बना हुआ है, जिसके चलते उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। ऐसे में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर जनवरी माह में भी बने रहने की संभावना है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मानना है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक उत्तर भारत में शीतलहर चलने से ठिठुरन और बढ़ सकती है। दिल्ली में इस समय उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंडक बना रखी है। वहीं अगले 3 दिन तक बर्फीली हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। कहां होगी बारिश और कहां छाया रहेगा कोहरा? यूपी और हरियाणा में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, तो वहीं राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर संभागों में घना कोहरा 2 से 3 दिन तक यूं ही रहने के आसार हैं। तो वहीं जयपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर संभाग में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अगले 1 सप्ताह तक ठंड का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ सकता है।